मित्रों, जाने अनजाने में हम कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो जाती है, तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। अब सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाता और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। ऐसा करते करते समय निकलता रहा। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया, ताकि वह पर लिखकर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी ही उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। लेकिन वह कहते हैं ना, समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वह बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे। बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बहुत ही आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वह पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वह रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला, तो उस राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और सन्यासी के कुटिया के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा, तब राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह उस सन्यासी के पास पहुंचा, तब राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं, आपको यहां पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। और आप यहां रहेंगे तो हमारे प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह बात सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे।
सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक बार एक आवश्यक काम की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। पर वह सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार हो गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो का पुण्य पाने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दीजिए, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि महान ज्ञान लोगों तक पहुंच रहा है। मित्रों, ऐसे में राजा जब वापस आया तो सन्यासी ने क्रोध के मारे उस राजा को बहुत कुछ सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपा करके बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहां पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगी और कहा, हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद सन्यासी शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तब रानी भी यह सारी बातें चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपने रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वह खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वह महल के अंदर दाखिल हुआ, वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसके कमर पर लहरा रहे थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से किसी को भी पागल कर दे। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। अब सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। सन्यासी ने अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वह बहुत कमजोर हो गया, क्योंकि वह सारे दिन रानी के बारे में ही सोचता रहा। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी से मिलने उनके कुटिया के पास पहुंच गए और बोले कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है? आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर हल करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये बातें सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह बात सुनते ही सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर राजा ने कहा कि चलिए महाराज, महल चलते हैं। राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए, यह बहुत कमजोर हो गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप इस कलंक को अपने सिर लेना चाहेंगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा
कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है, यह इतनी परेशान क्यों है, आखिर इनको हो क्या गया है। तब राजा ने रानी से कहा कि यह सन्यासी महाराज आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता ना करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, और आपको ना ही सन्यासी के हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरी पवित्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंचे। कुटिया के अंदर दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए, क्योंकि अब हम दोनों एक कुटिया में तो रह नहीं सकते। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया, फिर सन्यासी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची, तब रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर फिर से वह सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है आप कौन हैं और अब आप क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनकी लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे, और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की यह सारी बातें सुनकर उस सन्यासी को बहुत ही बड़ा झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है और वह यह सब क्या कर रहा है। वह वहां से जोर से भागता हुआ बाहर आ गया। वह तो इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में वन में चला गया था। जब सन्यासी को सुदबुद आई तो वह जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था, मैं अभी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप करता हूं। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो बहुत क्रोधित हो गए थे, तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ, ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव, आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया, आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदि हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया, और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच ज्यादा हो जाता है। सन्यासी ने आगे कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई है, इसलिए मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी महात्मा रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा। अब सन्यासी राजा से बोला, हे राजन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी चार आदतें बनती हैं और दुनिया के हर मनुष्य के अंदर यह चार अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है, और वहीं जो व्यक्ति इन चारों दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है।
और वह एक न एक दिन अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद कर देने वाली आदत के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर जाने लगता है, क्योंकि उसका लालच ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहता है, और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है, फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली एक आदत वासना भी है। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां या युद्ध हुए हैं उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से पहले कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण एक बहुत ही बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता के सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बनाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया है। स्त्री को अपने मनोरंजन का सामान सोचने लगे हैं, और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर आगे सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां भी निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में क्रोध को नरक का द्वार बताया है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य बात बात पर क्रोधित हो उठते हैं वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते हैं और जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। क्रोध करने से मनुष्य कभी भी सही निर्णय नहीं कर पाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का जीवन और भी कठिन हो जाता है। श्री कृष्ण के अनुसार बेवजह किए गए क्रोध से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, उसको अपने कर्मों का फल भी नहीं मिलता और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता गीता के अध्याय दूसरे में लिखा है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए तथा फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके परिणाम को जान लेना चाहिए। मनुष्य को संयम के साथ कार्य करना चाहिए तथा नित्य नियम से भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता में तीन चीजों को आत्मविनाशकारी बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वासना, क्रोध और लालच नरक के तीन द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी हैं। यह अच्छे से अच्छे मनुष्य का भी सर्वनाश कर देती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है।
इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दें। सन्यासी आगे कहता है, हे राजन, श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण रखना चाहिए। यदि हम इसे नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा अपना दिमाग एक दुश्मन की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली एक आदत है, लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो उसके पास था वह भी वह खो देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है और उसके मन में और कई सारे आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वह कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है। अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन बुरी आदतों को त्याग देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो एक सन्यासी होकर इन आदतों में पड़ गया और खुद को बर्बाद करने लगा, तो सोचिए एक साधारण मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। इसलिए हे राजन, इन आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए। महाभारत युद्ध के पहले दिन ही अर्जुन विरोधी पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने कुटुंब के लोगों को देखकर धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था। वे अपने परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करने का विचार कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता है और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है वही सन्यासी और योगी कहलाता है। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहलाता है और केवल कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उस सुख दुख और मान अपमान का असर नहीं होता है। ऐसे लोगों को ही भगवान की कृपा मिलती है। स्वयं पर नियंत्रण पाना यानी क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, कर्तव्य से न भागना और धर्म के अनुसार कर्म करना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त हैं और हर पल अपने आराध्य की सेवा में रहते हैं। हनुमान जी की पूजा के साथ ही उनके स्वभाव की बातों को अपनाने से भी हमारी कई समस्याएं खत्म हो सकती हैं। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी को पवन देव का औरस पुत्र कहा गया है। उनका शरीर वज्र के समान है, वे तेज चलने में गरुड़ के समान हैं, बुद्धिमान और बलवान हैं। हनुमान जी का वज्र समान शरीर हमें संदेश देता है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ और ताकतवर होना चाहिए। उनकी तेज चाल हमें तेज चलने की प्रेरणा देती है। हनुमान जी का बुद्धिमान स्वरूप हमें ज्ञान और बुद्धि बढ़ाने का संकेत देता है। हनुमान जी श्री राम की सेवा में तत्पर रहते हैं। सुंदराकांड में जब हनुमान जी सीता की खोज में लंका जा रहे थे तब मैनाक पर्वत ने उन्हें विश्राम करने के लिए कहा था, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि मैं श्रीराम का काम पूरा होने तक विश्राम नहीं कर सकता। हमें भी जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। लंका में रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को बंधक बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी थी। इसके बाद हनुमान जी साहस दिखाते हुए पूरी लंका को आग लगा दी। रावण के विरुद्ध युद्ध में हनुमान जी हमेशा श्रीराम के साथ रहे।
मेघनाद के बाण से श्रीराम और लक्ष्मण घायल हो गए थे, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। हमें भी हमेशा अधर्म का सामना साहस के साथ करना चाहिए। हनुमान जी ने धैर्य और बुद्धि का उपयोग करते हुए ही देवी सीता की खोज की थी। उन्होंने देवी सीता को कभी देखा नहीं था, वे सिर्फ देवी के गुणों को जानते थे। लंका में एक बार के प्रयास में देवी सीता को खोज नहीं सके थे, तब उन्होंने धैर्य बनाए रखा और दूसरी बार फिर कोशिश की। इसके बाद गुणों के आधार पर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता खोज लिया। अब सन्यासी ने राजा से कहा कि अब मैं चलता हूं और आप हमेशा इन बातों का ध्यान रखना। मित्रों, हमें भी मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करते हुए बड़ी बड़ी समस्याएं खत्म की जा सकती हैं। मित्रों, इससे जुड़ी आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिससे आपको अपने जीवन की सबसे अनमोल सीख मिलेगी और आप अपने जीवन के किसी भी दुख का सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था। वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है, तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। लेकिन उसके पिता ने बुद्ध की बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम अलग अलग के सुंदर फूलों से भर गया। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था, इसलिए कर्म सफलता की कुंजी है, इसलिए सदैव कर्म करते रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी, गुरुजी, आप ईश्वर की तो बहुत बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप सारे दिन इस बारे में ज्ञान देते रहते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहां के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और गेंदा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है क्या? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है, क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभव ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। मित्रों, ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष रचनाएं की। अनाज में कीड़े मकोड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसका सोने और चांदी की तरह संग्रह करते रहते। मृत्यु के बाद देह में दुर्गंध पैदा कर दी, वरना कोई अपने प्यारों को ना ही कभी जलाता और ना ही कभी दफनाता, हमेशा उसे अपने ही पास में रखता। जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या अनहोनी होने के साथ रोना और समय के साथ उसे भुलाना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। प्रकृति के यह अनमोल नियम अगर समझ लिए
तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। पहला नियम, यदि खेत में बीज ना डाले जाए तो कुदरत उसे घास फूस और कचरे से भर देती है। ठीक इसी तरह दिमाग में सकारात्मक विचार ना भरे जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी मनुष्य सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। तीसरा नियम यह है कि जीवन में आपको जो भी मिले उसे बचाना सीखिए, क्योंकि भोजन न पचने से मनुष्य रोगी हो जाता है। पैसा ना पचे तो दिखावा बचता है, बात ना पचे तो चुगली रहती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बचता है, निंदा ना पचे तो दुश्मनी होती है और राज ना पचे तो खतरा बचता है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदि हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना ही बेहतर होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो। जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए वह चार लोग आपके उठते ही आपकी बुराई करते हैं। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार के 100 लम्हों को भी एक पल में भुला देता है। कितने अजीब लोग होते हैं, बातों को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता सबके सामने थप्पड़ मारती है। हारता वह है जो शिकायतें बार बार करता है और जीतता वह है जो कोशिशें हजार करता है। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता, धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार हो। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप लग जाती है। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। सच्चा चाहने वाला आपसे हर तरह की बात करेगा, आपसे हर मुद्दे पर बात करेगा, लेकिन धोखा देने वाला आपसे सिर्फ प्यार भारी बातें करेगा। सेवा सबकी करो पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य इंसान नहीं दे सकता, वो केवल भगवान दे सकता है। हंसना बहुत ही अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखता, बल्कि आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर चिल्लाने या डांटने के बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं है, मदद करने का इरादा होना चाहिए। मदद एक ऐसी बात है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो याद रखते हैं। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में ऐसे फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाएं। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने से ही दुख मिलेगा, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी होती है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी होती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर असल में कौन अपना है यह वक्त बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वह शब्द ही नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए आपको मरना होगा। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख इंसान से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे आपको तमाचा जरूर लगेगा। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की ताकत हो, वरना रिश्ता और पैसा दोनों गवा दोगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो। मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी कह देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा था। किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं।
बुरा उतना ही करो जितना खुद पर आए तो बर्दाश्त कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। हमें रुलाने की माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ लोगों से रिश्ता तोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वह हमें कहीं का नहीं रहने देते। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान हो या फिर अभिमान। याद रखना, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। सच्चाई सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्द को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान जरूर बनाना। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढक को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठाऊं तो दूसरा कूद जाता है। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो खुद को अपमानित करते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल दें। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसीलिए ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना। मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना। मूर्खों से तारीफ सुनने से दिमाग की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। वो इंसान आपकी कीमत कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हर वक्त मौजूद होंगे। लोग पहचानना बंद कर दें, इससे पहले पहचान बना लो। कभी कभी अपने ही अपनों का एक ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वह अपना कहलाने के लायक नहीं रहते। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी का दिल दुखाकर कभी अपने लिए खुशियों की उम्मीद मत रखना। हमेशा दूसरों से ज्यादा स्वयं से उम्मीद रखिए, क्योंकि दूसरों से उम्मीदें बहुत दुख देती हैं, जबकि स्वयं से उम्मीद बहुत कुछ प्रेरित करती हैं। शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की जिंदगी बना सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। रिश्ते जोड़ भी सकते हैं और रिश्तों को तोड़ भी सकते हैं। आपके मन के दुख को दूर भी कर सकते हैं और आपके दुख को बढ़ा भी सकते हैं। मित्रों बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, मगर खत्म कभी नहीं होते। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहना, क्योंकि वक्त बीत जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर कर आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर चीज हमें खुशी नहीं देती। आजकल लोग हक तो जताना जानते हैं लेकिन रिश्ता निभाना नहीं जानते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्नों का। सुना है कि आखिरी में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है जहां कभी ताना नहीं मिला। जिंदगी का सुख दुख बाहर नहीं होता, वह आपके मन के अंदर होता है। जो चीज आपके मन के अंदर है वह बाहर से ठीक नहीं हो सकती। कई लोगों की तकलीफें इसीलिए ज्यादा हो जाती हैं कि वह अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते, और अगर किसी को बता भी देते हैं तो वह उसे समझा नहीं पाते। मित्रों अंधेरा दिलों में है और लोग दिया मंदिरों में जलाते हैं। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो,
क्योंकि यह दोनों कभी धोखा नहीं देते। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं मिलता। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बना लो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। कभी भी उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो पीठ पीछे आपकी बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि आप अभी भी उनसे दो कदम आगे हो। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी चार दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भरी चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो आपको सम्मान नहीं देंगे और ना ही आपका साथ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जिए, न किसी के प्रभाव में जिए, यह जिंदगी है। आपकी अपने स्वभाव में जिए। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, और क्या कभी यह सोचा है कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात कह जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दें। विश्वास रखना, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। मित्रों कहां हारती हैं? औरतें, उन्हें तो हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे ये कहकर डराया जाता है। जो नसीब में नहीं वह रोने से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। जब कर्म का चक्कर घूमकर तुम पर आएगा तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। क्या लूटेगा जमाना खुशियां हमारी? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो आपके दर्द समझने के काबिल हो। खुद को इतना भी दिलासा मत दीजिए, क्योंकि कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि उसे आपके लिए वक्त ही ना मिले। अक्सर आप उनके लिए बेवजह परेशान रहते हैं जो आपको अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, आप बहुत खुश रहोगे। यहां पर हर कोई अपना दिखने वाला धोखेबाज होता है। जिंदगी में ऐसे बनो कि जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सको। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। गलत दिशा में भागने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से जाएं। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितनी कम उम्मीद रखोगे जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग यह नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। कभी समय निकालकर अपनी कमियों पर गौर करना चाहिए। इससे आपकी दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। इसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं अपनी गलत सोच और व्यवहार से गिरता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। शिकायतों की भी एक इज्जत होती है, इसलिए यह हर किसी से नहीं की जाती। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए, और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे मित्रों।